मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा ने की सपा में एंट्री और इससे सियासी भूचाल आ गया है। अक्सर सपा पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब मुहर भी लग गई है। अपर्णा की एंट्री के बाद पूरे देश में मुलायम का कुनबा सबसे बड़ा कुनबा बन गया है। इस परिवार के अब तक 21 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। यूपी की सियासत में मचा सियासी भूचाल। अपर्णा की एंट्री के बाद देश में सपा बनी सबसे बड़ा सियासी कुनबा। अब तक मुलायम के 21 सदस्य सियासत में, मुलायम का सबसे बड़ा सियासी कुनबा। यूपी की सियासत में बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी बन गई है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी ने परिवार के एक नए चेहरे को मैदान में उतारकर भूचाल ला दिया है। अटकलों और संभावनाओं के बीच सवालों की लंबी फेहरिस्त है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के कैंट सीट से मुलायम सिंह यादव की दूसरी छोटी बहू अपर्णा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपर्णा यादव के सियासत में आने के बाद यूपी के सबसे ताकतवर मुलायम का कुनबा देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा भी बन गया है। इस बात का ऐलान किया था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो राजनीति में आएंगी, और आखिरकार पार्टी ने अपर्णा यादव को लखनऊ के कैंट सीट से अपना उम्मीदवार चुना है। अपर्णा यादव की चाहत को पार्टी ने पूरा कर दिया है। हालांकि उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद अपर्णा यादव मीडिया से बचती नजर आ रही हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव अपर्णा को लकी मानते हैं। अपर्णा और प्रतीक की शादी के साल ही यूपी में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खुद नेताजी मानते हैं कि अपर्णा के पैर परिवार के लिए शुभ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मुलायम के कहने के बाद अपर्णा को विधानसभा का टिकट दिया गया। अब वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अपर्णा यादव 21वीं सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी एसपी का मतलब सैफई परिवार है, और परिजन लोकसभा में परिणाम भी आप देख लीजिए, केवल परिवार ही जीता है। तो परिवार का एक सदस्य और चुनाव लड़ रहा है। आश्चर्य यही है कि प्रतीक यादव का नाम नहीं है, कब उनका नाम आता है देखने की बात है। कांग्रेस की माने तो अपर्णा ज्यादा दिन तक सपा में नहीं रह सकेंगी। उनकी आखिरी मंजिल तो बीजेपी ही है। कई बार बीजेपी के साथ अपर्णा मंच साझा कर चुकी हैं। मैंने अपनी जितनी भी बातें थी उनके कामकाज को लेकर पहले ही अपने सारी विवेचना रख दी है सामने, और अभी मैं कुछ भी कमेंट करना नहीं। मैंने अपनी जितनी भी बातें थी उनके कामकाज को लेकर पहले ही अपने सारी विवेचना रख दी है सामने, और अभी मैं कुछ भी कमेंट करना नहीं। सवाल ये भी उठता है कि जिस कैंट सीट से अपर्णा यादव अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उस सीट पर आज तक कभी भी सपा ने जीत हासिल नहीं की। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी इस सीट पर विधायक हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की बुनियाद तीन पायों पर खड़ी है, परिवारवाद, जातिवाद और माफियावाद। उसी कड़ी में अपर्णा यादव भी आती हैं, उसी परिवार के सदस्य हैं जिनको कैंट से विधानसभा का टिकट दिया गया है। अब सवाल उठता है कि अपर्णा यादव को जो टिकट दिया गया है, क्या उससे समाजवादी पार्टी के परिवार की आंतरिक कलह बाहर आ गई है? क्या यह दबाव की राजनीति थी? क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं, उनका झुकाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि भले ही कैंट सीट समाजवादी पार्टी की कभी नहीं रही, लेकिन अपर्णा यादव के लिए ये सीट उतनी भी मुश्किल नहीं है। वैसे भाई सियासत में कुछ भी असंभव नहीं। अपर्णा के सियासत में कदम रखने के बाद समाजवाद की साइकिल चलाने वाले मुलायम सिंह का कुनबा देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा बन गया है। के न्यूज के लिए लखनऊ से आशीष सिंह की रिपोर्ट।